The Pakistan People's Party has always supported democracy, parliament, and state institutions. And the People's Party has always supported democracy, parliament, and state institutions, and will continue to do so. It is unfortunate that by not resigning in time voluntarily and not offering himself for accountability according to the law made by Parliament, that the former Prime Minister only undermined the Parliament. We hope that the verdict will help in deterring corruption in high places. The Pakistan People's Party will, in consultation with other opposition political parties, field a candidate for the office of Prime Minister of Pakistan. The Pakistan People's Party believes in across-the-board accountability of all sections of society and call upon the Parliamentary Committee on Accountability to urgently draft appropriate legislation to ensure across-the-board accountability. Thank you very much. I'll now take your questions. कि पीपल्स पार्टी ऐसे जैसे कीजिए कीजिए नजारा दूर दूर से, यानी अगर इमरान खान गिरा फिर भी आप बात करेंगे, अगर नवाज शरीफ गिरा फिर भी आप बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी इस पूरे मरहले में पिटीशन में भी नहीं थी, सेनेट में भी आपकी अच्छी रंग थी, मुख्तलिफ मामला आपके बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आते रहे, लेकिन ऐसा तासुर है कि फायदा जो है वो किसी तरह जो है वो इसका जाएगा इमरान खान की तरफ मैं समझता हूँ कि किसी नो वन शुड बी थिंकिंग अबाउट पर्सनल बेनिफिट और ये मुल्क का फ़ायदा में जाएगा ये मुल्क का फ़ायदा में जाता है किसी एक इंडिविजुअल के फ़ायदा में नहीं जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे याद है इस पनामा इशू को फौरन उठाया था इसलिए ये 3 अप्रैल को आया था और हम 4 अप्रैल पे गरी खुदा बख्श पे इस इशू को उठाया था हमारा वी हैड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी वी हैड आवर ओन रीजंस फॉर नॉट गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन आवर ओन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड हमारा ये सोच था कि पार्लियामेंट शुड फ्रेम अ लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच दिस डिसीजन कैन बी मेड नॉनetheless वी स्टिल वेट वेलकम द डिसीजन सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत की अमीन समझती है आप बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 62-63 को सामने रखते हुए फैसला सुनाया है 62-63 जो है ना वो सियावलत के कवानीन है जो आईन में तरमीम करके डाले गए हैं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि पंडोरा बॉक्स है 62-63 उसके खुलने से सब लोग जद में आ जाएंगे क्या कोई ऐसा शेरी है जो 62-63 को पूरा उतरती हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखो एब्सोल्युटली 62 और 63 पे एक प्रिंसिपल पोजीशन रहा है but this is the decision of the Supreme Court of Pakistan and now it is incumbent on all political parties to accept the decision of the Supreme Court. General Sahib, ye bataiye ki vapaar se jitne bhi log ke mudra jo hai mulk se bahar hai kuch wapas bahar jana chahte hain unko rukne ke liye SSC mein naam dalne ke liye People's Party ka hai ki kya wo unka bhi ehtisab ho sakta hai? Ha, I mean, jab bilkul aap sahi keh rahe ho jaise agar hum par ilzam lagte hain to hum foran ECL par aa jate hain to I think the same law should apply to everyone. ये आपने बताना है सियाफियों ने बताना है तारीख ने बताना है का जी हमने मैंने अभी ये
कहा भी था द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली इंटेंड्स टू पुट इट्स ओन कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. अगर 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 नवाज़ीग इस टाइम पे कोई और फैसला करती है मिडटर्म जो इलेक्शन है उसकी तरफ अगर ये जाता है तो आप क्या कहेंगे? हम तो तैयार है हर सिचुएशन के लिए. क्या हिम्मत मिली रहेगी? बिल्कुल, जैसे कि अरबाब भाई ने भी कहा कि आप जो नजर नहीं आते लेकिन ये जो फैसला आ गया अब क्या पोजीशन होगी? आप क्या जो है हिम्मत मिली होगी? बिल्कुल सड़कों पे जाएंगे, आवाम से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर जैसे कागजात हो रही है बंद कमरों की? वही नहीं, ऐसे बंद कमरों का नहीं चलेगा. अभी हमने अपना प्लान पहले से बनाया भी था और हम उसी प्लान को फॉलो करेंगे. मेरे जलसे हो रहे हैं बहुत खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब, और मैं उसी बात करूँगा. ब्रा साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस थे और बहुत बड़े केसेस थे वो उसी नेब को रेफर किए हैं जिस नेब पे खुद पीपल्स पार्टी को शदीद तौफलात हैं, और वो नेब पहले ही इस तरह के केसेस पेंडिंग में उन्होंने डाल दिए थे, उन पर कभी सुनवाई नहीं. आप समझते हैं कि अभी ये उन पर सुनवाई होगी? I think that agar I understand the decision correctly, the Supreme Court will be following this very closely, or time limit be dala hai, but I don't think it will fall into the doldrums as it has done in the past. Mera sawal hai ki keh rahe hain ki agli baari ki us party ki bhi aa sakti hai kisi faisle ke hawale se. ये फैसला जो है पाकिस्तान के अवाम करेंगे. हमारा इलेक्शन होगा और इलेक्शन में अवाम वोट देंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा वोट देंगे वो कामयाब. आम इंतखाबात जो है वो करीब है, आम इंतखाबात जो है होते हुए नजर आ रहे हैं अब तो, और पीपुल्स पार्टी के आम रहनुमा पंजाब में जो है वो पीपुल्स पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं. आपने गैप को कवर करने के लिए क्या प्लानिंग की? हमने ज़रूर प्लानिंग किया है और मेरा एक्टिविटीज भी होंगे. आप देखें कि क्या फर्क होगा. मसालिब तहरीक आपकी जारी रहेगी या उसकी स्ट्रेटजी या कुछ तब्दील हो जाएगी? किस तरफ आप जाएंगे? क्या इमरान खान भी अगला टारगेट होंगे आपका? देखो, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है. हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पार्टी है, हमारा एक सोच है और हम उसी फिलोसफी को लेकर चलते हैं. अगर हमारा इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपका फिलॉसफी या आपका आइडियोलॉजी पॉपुलर हो या विक्टोरियस हो, आप अपने आइडियोलॉजी से स्टिक करके लड़ते रहते हैं और हम वही करेंगे. आपने समझा कि जो पनामा केस का फैसला था जो उस पर सारे मौरिकार जिस पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर फैसला दिया, ऐसी चीज पर उनको नायब करार दिया जो $10,000 पाकिस्तानी $2,00,000 पर नायब करार दिए गए जो उनके एसेट्स में. सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर इशू को जो है वो रेस किया. मैं तो आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई एम नॉट अ जज ऑल्सो, एंड मैं उधर तो उनको इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द फैसला. मैं स्प्लिट हेयर्स नहीं करना चाहता हूँ कि किस पर करना चाहिए था किस पर नहीं. वो इस फैसले के बाद माननीय अपोजिशन कायदे इख्तलाफ भी बैठे हुए इस फैसले के बाद, क्योंकि हमको हमेशा मजलूम का साथ देते हैं, इस वक्त मियां नवाज से तकरीबन मजलूम है, घर बैठा हुआ है, तो क्या आप राबता करेंगे? क्या आप अपनी पार्टी की क्यादत को कहेंगे कि मियां साहब से राबता करें? मैं क्यों कहूं कि मियां साहब से रابطہ करें? हम अपना सियासत करेंगे, वो अपना सियासत करेंगे. अभी हम ये फैसला करेंगे, हम यही फैसला करेंगे, हम पार्टी कंसेंसस से ये फैसला करेंगे. ये पार्टी का फैसला होगा, ये पार्टी का फैसला होगा कि मैं कौन सा सीट से लड़ूं. राहुल साहब, क्वेश्चन ये कि बनर्जी प्रशासन ने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, क्या जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इसको आप उसी तरह पे देखते हैं? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जितने भी लूटे हैं, क्या उसके हवाले से पीपुल्स पार्टी कहेगी वो भी वापस लाए जाए? देखो, एब्सोल्युटली रूल ऑफ लॉ इज द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी, और हम यही चाहेंगे कि द रूल ऑफ लॉ शुड फॉलो इट्स कोर्स एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड. और मिस्टर चेयरमैन, एक चीज बताएं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसी बिल्डिंग से फैसले आते रहे हैं, तो हमारे दोस्त कहते थे शबे खून मारा जा रहा है जमहूरियत, जबकि इसी बिल्डिंग से एक फैसला आया जिसे आप जमहूरियत की बका कह रहे हैं, तो तजाद नहीं? आई थिंक के आप प्लीज़ ज़रा देखें कि किस तरीके से हमारा वक्त गुजरा और अब इनके लिए कितने मौका पैदे. आई मीन, हाउ मेनी टाइम्स वर दे गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस? आप नहीं समझते हो कि अगर हमारा नाम इसमें आता
और अप्रैल 3rd पे जब ये न्यूज़पेपर्स में होते तो अप्रैल 4th ही का दिन पे हम सब फारिग होते. बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट डिबेट. आई थिंक अभी हम इसी चीज पर रहे कि फैसला आया है एंड एवरीबॉडी हैज टू एक्सेप्ट. आप क्या समझते हैं कि नहीं देखो देखो काफी 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 पेंडिंग केसेस है. हम मुतालबा करते हैं कि ऑल पेंडिंग केसेस मस्ट रीच द लॉजिकल कंक्लूजन. बिलखसूस हमारा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस केस है दैट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स. वी एक्सपेक्ट इट्स कंक्लूजन एट द अर्लीस्ट. देर इज ऑल्सो द असगर खान केस विच इज स्टिल पेंडिंग. देर मेनी केसेज पेंडिंग एंड वी बिलीव के अक्रॉस द कोर्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी for it to be a respectable decision. Maine koi mitai nahi khaya. Aaj ke faisle se kya mulk mein judicial martial law lag gaya hai? Nahi, judicial martial law nahi. Chairman sahab, dictators ke hawale se bhi court mein kuch cases chal rahe hain kya aap chahenge ki bilkul I think for the Supreme Court to maintain its impartiality and integrity, those cases will have to be decided within the expectations of the people of Pakistan. Chairman sahab aap Lahore aur Ladkhane ke prime minister ki hamesha fard ki baat karte the. Aaj jo supreme court ka faisla aaya uske baad Lahore aur Ladkhane ke prime minister ki jo tabdeel nazar aati ki aapke shahar mein khatam ho gaya. I think ke tareekh ye batayega aapko. Main aaj nahi ginna chahta hu के लड़काने के प्रधान वजीर आजम के साथ क्या हुआ है. तो ये एक मेरा ख्याल में सियासी केस. एनीवे आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर वो वो फर्क उठ रहा है. जी भाई, ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, क्या इन फ्यूचर आप समझते हैं कि उनको भी डिस्क्वालीफाई. आई डोंट नो द डिटेल्स के क्या अगर केसेस है नहीं है, मगर बिल्कुल अगर मेरे खिलाफ भी केसेस है तो देन आई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम का फतह हुआ है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.